जब सेट से रोते हुए घर भाग गई थी करिश्मा कपूर अधर में लटक गई थी दो करोड़ी फ़िल्म डायरेक्टर को मांगनी पड़ी थी माफ़ी साल उन्नीस में आई फ़िल्म जिगर के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद करिश्मा अपने आंसू नहीं रोक पाई थी और घर भाग गई इसके बाद तो मेकर्स सकते में आ गए डायरेक्टर ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े जिसके बाद उन्होंने फिर काम के लिए हामी भरी क्या हुआ था फ़िल्म की शूटिंग के दौरान चलिए ये किस्सा आपको सुनाते हैं उन्नीस में फिल्म प्रेम कैदी से सिनेमाई पर्दे पर दस्तक देने वाली एक्ट्रेस अपनी इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी इसके बाद तो जैसे उनके पास फिल्मों की लाइन लगना शुरू हो गई पर्दे पर जैसे जैसे उनका नाम हो रहा था वैसे वैसे दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ उनके झगड़े भी सुर्खियां बटोर रही थीं स्टार दस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं बल्कि डायरेक्टर कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश से हुए अपने झगड़े के बारे में बात की उन्होंने बताया कि कैसे उनकी और चिन्नी की लड़ाई हुई और फिर वो रोते हुए घर भाग गईं दरअसल ऐसी चर्चा थी कि करिश्मा कपूर जब जिगर की शूटिंग कर रही थी तो फिल्म के गाने चिन्नी प्रकाश और राजू खान कोरियोग्राफ कर रहे थे करिश्मा एक गाने के शूट के दौरान एक सटे बार बार गलत कर रही थीं इस पर चिन्नी प्रकाश करिश्मा पर गंदी तरह से भड़क गए गुस्से में बेबो ने शूट कैंसिल किया और रोते हुए घर चली गईं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के प्रोड्यूसर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी करिश्मा कपूर को शांत करवाने की कोशिश की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ करिश्मा को लोग इंडस्ट्री में ज़िद्दी कहने लगे थे इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ अगर मिस्टर चिन्नी प्रकाश किसी बात पर नाराज़ हैं तो उन्हें अपना गुस्सा अपने स्टॉस पर नहीं निकालना चाहिए उन्होंने मेरे साथ वही किया मुझ पर गुस्सा निकाला उन्होंने सबके सामने मुझसे बड़े ही सख्त लहजे में कुछ कहा जबकि मेरी कोई गलती थी ही नहीं मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं है और मैंने कोई शूटिंग कैंसिल नहीं की थी करिश्मा ने आगे कहा था लगभग पैकअप हो ही चुका था क्योंकि मैं उस माइंडसेट और मूड में शूटिंग नहीं कर सकती थी इसलिए मैं घर चली गई सलीम जी ने मुझे शांत करवाने के लिए फ़ोन किया और मैं तब ठीक थी चिन्नी प्रकाश भी आए थे और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी लेकिन जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि मैंने चिन्नी को फिल्म से निकलवाया तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी किसी को फिल्म से बाहर निकालने वाली मैं भला कौन होती हूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मुझे हल्के में लें हालांकि फ़िल्म पूरी हुई और 23 अक्टूबर साल उन्नीस को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था इस एक्शन और रोमांस से भरी फ़िल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे उन्होंने इसमें बेहतरीन मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया फिल्म में अजय देवगन संग करिश्मा की केमिस्ट्री बेहद शानदार लगी थी बता दें कि यह जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब दर्शक अजय और करिश्मा कपूर की जोड़ी देखने के लिए बेताब हो गए थे जबकि बॉक्स ऑफिस पर और कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी लेकिन करिश्मा और अजय की जोड़ी उन सभी पर भारी पड़ी थी फिल्म उन दिनों दो करोड़ की लागत में बनी थी लेकिन जब यह फ़िल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने सात गुना कमाई कर सभी को हैरान कर दिया था खबरों की माने फ़िल्म ने उन दिनों पंद्रह करोड़ से अधिक की कमाई की थी